2014 में एक अंडा पाव बेचने वाले की साइकिल को किसी वाहन ने टक्कर मार दी थी और वाहन चालक वाहन लेकर फरार हो गया था। वडाला टीटी पुलिस ने एक्सीडेंट का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही थी, लेकिन आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा था। ये मामला क्राइम ब्रांच के पास चला गया। क्राइम ब्रांच यूनिट 3 की टीम ने जब जांच शुरू किया तो पता चला कि 14 जनवरी 2014 को मृतक इकबाल खान सायन चुनाबटी वडाला लिंक रोड से जा रहा था कि रुस्तम जी टावर के पास अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी थी। इसी के चलते इकबाल की मौत हो गई थी। क्राइम ब्रांच ने पहले टैंकर चालक को पकड़ा जिसने इकबाल को उड़ाया था। जांच में पता चला कि टैंकर चालक को दो लोगों ने 40,000 रुपए दिए थे इकबाल को उड़ाने के लिए। उन दोनों की इकबाल से उनके धंधे को लेकर दुश्मनी थी, इसीलिए उन लोगों ने उसे रास्ते से हटाने के लिए टैंकर चालक को चुना। क्राइम ब्रांच आईपीसी की धारा 302, 120B, 201 और 34 के तहत मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। उसने बोला कि तुमको पैसे मिले गए, तुमको ये काम करना है करके, तो 40,000 रुपया इनिशियल उसको देना तय किया गया। 40,000 लेके एक आदमी को गाड़ी से मारना है करके। उसी मुताबिक एक दिन उसमें 14 तारीख को 14 जनवरी को उसमें चुगला गए, चुगला में एक नाकोरी होटल है, वहाँ उनकी मीटिंग हो गई। मीटिंग में उसने वो पार्टनर था ऑफिस का, वो इकलाद का पार्टनर ने फ़ोन करके बुलाया, उसको दिखाया, ड्राइवर को दिखाया ये आदमी है, उसका गेम करना है। फिर बाद में उसको भेज दिया अपना ट्रक लेके, वहाँ वडाला रोड पे खड़ा हुआ। बाद में 10:30-11 बजे वो आए, उसको बोले 15 मिनट में वो आदमी आ जाएगा साइकिल पर। जैसे वो आया साइकिल, उन्होंने दिखाया कि ये आदमी है करके, वो जैसा साइकिल लेके आगे गया, वो टैंकर उन्होंने लेके उसका एक्सीडेंट किया गया, उसका इंश्योर कि ये भरा हुआ है करके। फिर बाद में वो टैंकर लेके भाग गया वहाँ से। तो 40 रुपये जो टाइम हुआ था उसमें कैसे 10,000 उसको मिला, उसके ऊपर बहुत सारा झगड़ा उसका, वो दूसरा जो पार्टनर था उसके ऊपर हुआ था। ऐसे ये 2014 में जो एक्सीडेंट दिखाया गया जो गुना है, वो एक्चुअली एक्सीडेंट ना होते हुए एक सुपारी फिलिंग है, ऐसे निष्पन्न हुआ है। आरोपी जो मेन आरोपी जिसने जिस टैंकर चालक ने उसको मारा है, उसको पुलिस ने कल ही अरेस्ट किया है, आज उसको कोर्ट में पेश किया गया है।